हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हम ट्वेल्थ क्लास के लिए अकाउंटेंसी की यहाँ पर सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लगातार ट्वेल्थ की चैप्टर्स की वीडियो यहाँ पर पोस्ट करेंगे। और आप सबसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कराइए अपने दोस्तों से, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। चलिए आज पहला चैप्टर शुरू करते हैं। अच्छा, पहला चैप्टर जो है अकाउंट्स में ट्वेल्थ में, वो है NPO, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, NPO। आज हमारी अकाउंटेंसी क्लास ट्वेल्थ की लेक्चर फर्स्ट है। क्या है ये NPO? NPO का मतलब होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ज़रा समझ लो। NPOs या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उन ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जो प्रॉफिट नहीं कमाने के लिए फॉर्म्ड किए जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनकी स्थापना, जिनकी मतलब फॉर्मेशन जो होती है वो प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। किस लिए होती है? फिर सोशल वेलफेयर, सोसाइटी, समाज की सेवा करना। जैसे अगर आप मिलकर आपने एक हॉस्पिटल खोला, तो क्या हॉस्पिटल सोचोगे कि आप प्रॉफिट कमाओगे? नहीं। आप वो बात रहा कि आप प्रॉफिट कमा सकते हो, कमा से प्रॉफिट कमाओगे ज़रूर आप, बट सोसाइटी इसको NPO के नाम से जानती है। इनको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। आपने अनाथालय खोला, वहाँ पे अनाथ बच्चे आएंगे, क्या उनसे आप प्रॉफिट कमाओगे? हो सकता है आपसे कमाई हो जाए, वहाँ से ज़्यादा दान मिल जाए, बट प्रॉफिट मोटिव नहीं है आपका। इस तरह से आपके NPO अनाथालय हो गए हैं ना, और ओल्ड एज पे होम होते हैं, ओल्ड एज होम होते हैं, और आपके मंदिर होते हैं, मस्जिद आपके। दोबारा सुनिए, NPO किस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं? दोज ऑर्गेनाइजेशन विच आर फॉर्म्ड नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट मोटिव, इंस्टेड ऑफ दे आर फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ रेंडरिंग सर्विस टू दी सोसाइटी। अच्छा, कौन कौन से हैं ज़रा मैंने बताया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेजेस भी इसमें ही आते हैं, और आपके जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट, मंदिर मस्जिद हैं, अनाथालय वगैरह हैं, वो सब इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। क्लब जो होते हैं, हाँ क्लब भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो जो हमारे ये NPO हैं, इनकी अकाउंटिंग करने का बिल्कुल प्रोसेस डिफरेंट होता है। इनकी अकाउंटिंग डिफरेंट तरीके से होती है। पहले NPO के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, NPO के अंदर एक होते हैं मेंबर्स जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, एक होते हैं मेंबर्स और एक होते हैं नॉन मेंबर्स। मेंबर समझ रहे हो आप, जिनका नाम रजिस्टर में लिखा है। हाँ जी, आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं आप वहाँ चैरिटी से, जिससे गरीब लोगों की या नीडी की दान आप हेल्प करोगे, तो इस आपको कहा जाएगा मेंबर्स, जिन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट करा और अपना नाम लिखाया, हाँ जी मैं भी 1000 रुपीज़ दूंगा हर साल या हर महीने, तो इनको मेंबर कहा जाएगा। और बाहर के लोग भी कुछ आपको दे देते हैं, नहीं आप अच्छा काम कर रहे हो, हम भी कुछ आपको दान देते हैं, आप हमारे भी पैसे लेके इसमें लगाइए, वो होते हैं नॉन मेंबर्स। अच्छा, जो मेंबर्स पेमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ज़रा याद करो पहना, उसको सब्सक्रिप्शन से नाम से जाना जाता है, सब्सक्रिप्शन। और जो नॉन मेंबर देते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसको कई नाम जाना जाता है, जैसे लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस देते हैं ये जब मेंबरशिप लेते हैं, एंट्रेंस फीस भी होती है, और डोनेशन वगैरह भी देते हैं। अच्छा, डोनेशन ये लोग भी दे सकते हैं, ठीक है, डोनेशन ये भी दे सकते हैं, डोनेशन ये भी दे सकते हैं। ये लाइव मेंबरशिप फीस देते हैं, एंट्रेंस फीस देते हैं, डोनेशन देते हैं, ग्रांट्स वगैरह भी मिलती हैं, ठीक है। तो इस तरह से NPO के पास पैसा आता है और इस पैसे से NPO रन करता है। अच्छा, NPO के पास पैसा, अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो NPO होते हैं इनके पास फंडिंग के सोर्सेज क्या हैं, पैसा कहाँ से आता है, फंड कहाँ से आता है, तो आप आंसर बोलोगे सब्सक्रिप्शन से आता है, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, नॉन मेंबर से जो मेंबरशिप मिलती है उससे आता है, एंट्रेंस फी से आता है, लाइफ मेंबरशिप फी से आता है, और कोई चैरिटी शो वगैरह कर दो उस चैरिटी से आ जाएगा। तो यहाँ से इनको पैसा रिसीव होता है और इस पैसे से ये क्या करते हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान देना, जब ये पैसा आया तो क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं इनकम। क्या बोलते हैं? इनकम,
ठीक है। अब ये इस पैसों को खर्च करेंगे, मैंने बता दिया कहाँ खर्च करना है। फॉर एग्जांपल आपका मंदिर मस्जिद है, आप उसको रन करने में खर्चा करोगे, या आपका कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में आप मरीजों पे ट्रीटमेंट दोगे जो उस पर खर्च करोगे, मेडिसिन पर खर्च करोगे। अच्छा सुनो, इनकम तो आ गई, अब ज़रा सुनो, मान लो आपकी इनकम आई है 1,00,000 रुपया, ठीक है। अब आपने जो खर्च करा उसका नाम क्या है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितना, अच्छा हो सकता है आपका एक्सपेंडिचर 1,00,000 रुपये ही हो गया हो, फिर तो जितना आया उतना गया, कोई टेंशन ही नहीं है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि 1,20,000 खर्च हो गया हो, खर्च ज़्यादा करना पड़ गया हो, कुछ पैसा पिछले साल वाले में से यूज़ हो गया हो, जो पैसा आपको पहले बचा हुआ होगा, या आप पे कर्जा हो गया हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 80,000 खर्च हुआ हो, 20,000 अभी बच गया हो, तीनों सिचुएशन पॉसिबल है, ज़रा ध्यान देंगे आप। अगर 1,00,000 खर्च हुए फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, 1,00,000 की हमारे पास इनकम थी, 1,00,000 का एक्सपेंडिचर थे, आपके पास भी कोई भी बैलेंस नहीं बचा है। अच्छा अगर 1,20,000 हो गया तो आपके पास बैलेंस नेगेटिव में चला गया, कहने को इसको लॉस कह सकते हो आप, बट NPO नॉट फॉर प्रॉफिट और लॉस, ना प्रॉफिट कमाना इनका मोटिव है, ना लॉस कमाना इनका मोटिव है, तो प्रॉफिट और लॉस वर्ड तो यूज़ करना ही नहीं आपको, एलर्जी है समझ लो प्रॉफिट और लॉस से इन इंस्टीट्यूशन को, तो क्या बोलेंगे फिर, लॉस नहीं बोलना आपको फिलहाल, ये बड़ी याद करो। अच्छा यहाँ पर क्या हुआ, 1,00,000 और 80,000, 20,000 बच गए, सर ये प्रॉफिट वर्ड, प्रॉफिट नहीं यूज़ करना, ना आपको लॉस वर्ड यूज़ करना, फिर क्या बोला जाएगा ज़रा सुनो। अगर ये वाला केस आएगा लॉस, तो लॉस नहीं बोलना आपको, क्या बोलना है, डेफिसिट बोलना है, घाटा हो गया, घाटा, डेफिसिट। और अगर ये वाली सिचुएशन आएगी तो आपको क्या बोलना है, सरप्लस बोलना है। मतलब जो ये ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो या तो इनको रिजल्ट जो होता है इनका, या तो वो डेफिसिट होता है या वो सरप्लस होता है। और ये कहाँ से निकल के आता है, आपने पहले अकाउंट में सीखा है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट और लॉस निकाला करते थे, मगर वो तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते थे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो प्रॉफिट कमाते ही नहीं है, तो इनके लिए तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही नहीं बना सकते। हाँ ठीक है, इनके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता, बट उसी तरह से एक दूसरा अकाउंट बनता है, उसका नाम होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। समझ आ गई बात, मतलब मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं कि NPO क्या होते हैं, NPO कौन से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, किस पर्पज़ के लिए ये स्टार्ट किए जाते हैं, इनके पास इनकम का सोर्स कौन कौन सा होता है, यहाँ से इनके पास इनकम आती है, और ये इनकम को जब खर्च करते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है कि इनकम खर्च के बराबर हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि इनकम और खर्च बराबर ना हो। अगर इनकम और खर्च बराबर ना हो तो या तो वहाँ डेफिसिट होगा और या फिर वहाँ पर सरप्लस होगा। और मैंने एक बात और बताई है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते हैं, तो क्या करते हैं, ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, जिससे ये अपना डेफिसिट और सरप्लस को कैलकुलेट करते हैं। समझ आया यहाँ तक आपका, ये थ्योरी थी इसकी इम्पोर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, आज इसमें ठीक है बच्चों। अच्छा ये देखो, जो NPO जो होते हैं, ठीक है बच्चों, आपको ये मतलब समझ आया। अच्छा एक मिनट सुनिए, आपका ये एक मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, आपको ये करना है, अपना माइंड लगाना है और ये नोटिस करना है, आपको ये डिफरेंसेस पता करने हैं NPO जो होते हैं और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाते हैं। आपके आसपास जो है वो प्रॉफिट कमाने के लिए स्टार्ट हुए हैं तो वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और NPO में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, आप ये सब अपने माइंड से सोचना, इनको लिखना अपनी कॉपी में, और मैं आने वाले समय में इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मैं 8-10 डिफरेंस लिखूंगा, 5-6 डिफरेंस तो आप बिल्कुल जो भी आपने मेरी वीडियो देखी है इसमें से ढूंढ के ही निकाल सकते हैं। जैसे प्रॉफिट की जगह ये सरप्लस वर्ड यूज़ करते हैं, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं 8-10 तो नहीं, हाँ 5-6 आप डिफरेंस याद कीजिए, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा डिफरेंस का, ठीक है। आज आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। अच्छा जो NPO होते हैं ये अकाउंटिंग कैसे करते हैं, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होता है इनका, जरा ध्यान देंगे आप, ये अकाउंटिंग में क्या क्या तैयार करते हैं जरा ध्यान देना। एक तैयार करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट,
रिसिप्ट और एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, ये ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। दूसरा बनाते हैं, अभी मैंने वर्ड बताया था याद करो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है सर। एक बनाते हैं बैलेंस शीट, जैसे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ये भी बैलेंस शीट बनाते हैं। ज़रा समझते हैं क्या है ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। नाम से पता लग रहा, रिसिप्ट जितना पैसा रिसिप्ट हुआ और जितना पैसा पे करा। आप लोगों ने पहले 11th क्लास में कैश बुक सीखी होगी, एक तरफ पैसा आता है रिसिप्ट की एंट्री, एक बार पेमेंट की एंट्री होती है, सेम उसी तरह ये बनता है इनका रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। इसको समरी ऑफ कैश बुक भी कहा जाता है, उसकी तरह बनता है। आपको कैश आएगा तो रिसिप्ट साइड लिखना है और उनके जाएगा पेमेंट साइड लिखना है, बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है फिर, ये मैंने अभी बता दिया, ये एक तरह से इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बट नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों नहीं है ये मैंने बता दिया आपको। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इसलिए बनाया था ताकि वो सरप्लस और डेफिसिट पता कर सके, हमारा एक साल का रिजल्ट क्या है, क्या हमारे पास पैसा बच गया या खर्च ज़्यादा हो गया, ठीक है। और बैलेंस शीट किस लिए बनाते हैं, बैलेंस शीट किस लिए बनाते हैं ताकि वो अपनी असेट्स और लाइबिलिटीज़ का पता रखें, हमारे पास असेट्स कितनी हैं और लाइबिलिटीज़ कितनी। अच्छा एक बात सुनिए, इन्होंने NPO ने अपना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया और यहाँ से सरप्लस निकल कर आया, मान लो 20,000 रुपये बच गया फर्स्ट ईयर का। अगले साल फिर से सरप्लस आया, फिर 20,000, अगले साल फिर आया मान लो 50,000। इस तरह से हर साल आपको कुछ पैसा बच जाता है, तो ये पैसा बच के एक तरह से फंड नहीं बच गया, मतलब ये पैसा बच के आपके पास लाइबिलिटी नहीं जनरेट हो गई, लाइबिलिटी क्योंकि आपका पैसा नहीं है, ये आपको लगाना है उसके अंदर, खर्च करना है आपको, ठीक है। ये आपकी लाइबिलिटी हो गई, कितनी हो गई, 90,000। जितना पैसा आपके पास ये बचता जाएगा, इसको आपको अपनी बैलेंस शीट में शो करते जाना है, बैलेंस शीट इसकी वजह से बढ़ती जाएगी। अच्छा एक बात और सुनो, NPO कोई ओनर तो होता नहीं है, ठीक है, तो 20,000 इनकी, जब ओनर नहीं होता तो कैपिटल भी नहीं होती। पहले 20,000 हमारे पास बचे, 20 और 20, 40,000 रुपये ये हम ना एज ए कैपिटल शो कर देंगे, मतलब कैपिटल इनकी जो बनाई जाती है ना, कोई ओनर तो होता नहीं इसलिए कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, इनकी कैपिटल जो बनाई जाती है वो सरप्लस को ऐड कर करके इनकी कैपिटल बनाई जाती है। जितना पैसा बचता जाएगा वो कैपिटल में ऐड होता जाएगा, इस तरह से ये कैपिटल फंड बन जाता है, कैपिटल फंड बन जाता है। तो इस तरह से इनकी कैपिटल तैयार होती है, ठीक है, समझ आया आपको। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है और एक बैलेंस शीट बनती है, ये मैंने इनके बारे में आज आपको बता दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट जो लेक्चर 2 लेकर आऊँगा उसके ऊपर हम ना एक ना रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मैं फिर एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्वेश्चन कराऊँगा आपको। ये मैं इस तरह से हमारी ये सीरीज चलती जाएगी, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में लेक्चर 2 में मैं जल्दी आपसे मिलूँगा। आपने अगर हमारा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए आपस में अपने फ्रेंड्स में, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहें, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।